नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और हिमाचल फिर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 23 फरवरी। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब बहुत सारी भर्तियां निकल रही है और बहुत सारे एग्जाम्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको पढ़ते रहना है और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि रोजाना आपको हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग HRTC अपनी बसों में सफर करने वाले किन यात्रियों को ऑनलाइन बस पास की सुविधा देने जा रहा है। तो इसका सही जवाब है कॉलेज विद्यार्थियों को। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कॉलेज विद्यार्थियों को ऑनलाइन बस पास बनाने के लिए HRTC की ओर से बनाए गए सॉफ्टवेयर का ट्रायल सफल रहा है। HRTC की ओर से पहले फेज में राजधानी शिमला के स्टूडेंट्स को यह सुविधा मिलेगी और इसके बाद सेकंड फेज में बाकी राज्य के सभी स्टूडेंट्स को यह सुविधा मिल सकेगी। ऑनलाइन पास सुविधा शुरू हो जाने के बाद स्टूडेंट्स को पास बनवाने के लिए अपनी कक्षाएं छोड़कर घंटों लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। इसके लिए स्टूडेंट्स को जस्ट HRTC की वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को भरना होगा। इसके बाद फोटो और कॉलेज आईडी को अपलोड करना होगा। इसके बाद जय फॉर्म अप्रूवल के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाएगा। वहाँ से अप्रूवल मिल जाने के बाद विभाग की ओर से अप्रूवल दे दी जाएगी और SMS के जरिए स्टूडेंट्स को इसकी सूचना मिल जाएगी, जिसके बाद स्टूडेंट HRTC की वेबसाइट पे जाके अपना पास डाउनलोड कर सकता है। इस पास में एक QR कोड भी दिया होगा जिसे बस कंडक्टर स्कैन करके पास की वैधता चेक कर सकता है। मेरे हिसाब से HRTC विभाग द्वारा लिए जा रहे इस प्रकार के छोटे छोटे स्टेप्स से जनमानस का काफी भला होगा और विभाग को भी इसका काफी फायदा मिलेगा। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो की है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश का रेशम विभाग प्रदेश में पहली बार किस प्रकार की रेशम की खेती शुरू करने जा रहा है। तो इसका सही जवाब है एरी रेशम की खेती, यानी कि एरी सिल्क कल्टीवेशन। दोस्तों हाल ही में रेशम विभाग प्रदेश में पहली बार एरी रेशम कीट पालन की खेती शुरू करने जा रहा है। एक साल पहले विभाग ने प्रदेश के कुछ निचले क्षेत्र जैसे कि बिलासपुर, ऊना और नालागढ़ में इसका सफल ट्रायल किया है और अब बहुत जल्द यानी कि मार्च अप्रैल से रेशम विभाग प्रदेश में एरी रेशम की खेती शुरू करने जा रहा है। इसके लिए विभाग को सेंट्रल सिल्क बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। इस रेशम की खास बात ये है कि किसान साल में 6 से 7 बार इसकी फसल प्राप्त कर सकते हैं और विभाग ने बिलासपुर के रांगड़ू में 25 बीघा भूमि पर बीज उत्पादन केंद्र तैयार किया है जहां से वे किसानों को बीज डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एरी रेशम कीट पालन अरंडी के पौधों पे होता है। इसके लिए गर्म स्थान उपयुक्त होते हैं और एरी रेशम ऊन और कपास में आसानी से मिक्स हो जाता है। इसके अलावा जंगली प्रजाति होने की वजह से इसमें बीमारी लगने का खतरा भी काफी कम होता है और ये मात्र 20 से 22 दिनों में तैयार हो जाता है। एरी रेशम पालन से किसानों को एक नई आय का जरिया मिल सकेगा। दोस्तों प्रदेश में 10,000 से ज्यादा किसान रेशम खेती के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि शहतूत रेशम पालन करते हैं और उनकी फसल साल में मात्र 2 बार ही तैयार होती है। ऐसे में एरी रेशम की खेती करने वाले किसानों के लिए काफी फायदे साबित हो सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के थर्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 102 अध्यापक शिक्षा की नई तकनीकों से अवगत होने के लिए 5 दिन के लिए किस देश की यात्रा पर जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब है सिंगापुर की। दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आज अध्यापकों के अंतरराष्ट्रीय भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत प्रथम बैच यानी कि पहले बैच में प्रदेश भर से चयनित 102 अध्यापकों को 5 दिन के लिए सिंगापुर की यात्रा पर भेजा जा रहा है, जहाँ पे वे शिक्षा के नए तौर तरीकों से वाकिफ होंगे और नई टेक्निक्स भी सीख के आएंगे ताकि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाए जा सके और स्टूडेंट्स को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप सक्षम भी बनाया जा सके। क्योंकि दोस्तों प्रदेश सरकार का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा गुणवत्ता का स्तर लगातार गिर रहा है और हम इस मामले में 18वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। अगर
बहुत जल्द इसके लिए कोई कदम नहीं उठाए गए तो हमारा शिक्षा का स्तर और भी गिरता जाएगा, जिसके चलते हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने टीचर्स के लिए एक अंतरराष्ट्रीय भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत पहले बैच में 102 टीचर्स सिंगापुर की यात्रा पे जाएंगे। इसके बाद दूसरे बैच में 98 टीचर्स को सिंगापुर भेजा जाएगा। पहले बैच की रवानगी और टीचर्स को बेस्ट विशेष और मोटिवेट करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके साथ हमारे शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी मौजूद रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।